हेलो एवरीवन, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मैं हूं निदा आमिर। और बस देखें, कुछ मैंने आपके साथ शॉपिंग शेयर की है अपनी। और बस देखें, ये है पेठा जो चावल के साथ रखा हुआ है, बड़ा सा और बहुत मज़े की आपको आज मैं रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल है, पर इसको मैंने कट कर लिया था और फॉक की मदद से उसके अच्छे से अंदर से होल हल्के हल्के से कर लिया। इसके बाद आपने इस चूने के पानी में इसको अच्छी तरह डिप करना है 10 घंटे या ओवरनाइट, ये मस्ट करना है आपने। इससे बहुत अच्छी लेयर आ जाती है। इसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लें और फिर गर्म पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको अच्छा सा उबाल लेंगे। और चूने के पानी में ऐड करने से ये होता है कि बहुत हार्ड हो जाता है, पहले हार्ड होता है और मज़ीद हार्ड हो जाता है। कहीं आराम से मिल जाता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बस जिस तरह बेकिंग पाउडर होता है इस फॉर्म में होता है, वाइट कलर में। बस बहरहाल इसको देखें, मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है 15 मिनट के लिए तकरीबन। और अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर मैं इसी पानी में, जो ये पानी में जिसमें बॉईल किया, इसी में चीनी ऐड कर दूंगी और एक लाइट सा शीरा बना लूंगी। अब अगर आपको बहुत कलरफुल से पसंद है पेठे का जो ये हलवा कह लें, या पेठे, आई थिंक पेठे का हलवा ही कहते हैं इसको, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल कलर पसंद है तो मैं कोई कलर वगैरह ऐड नहीं कर रही। तो बस देखें, एक हल्का सा, बस तार ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तार आए, बस हल्का सा। देखें, चीनी मेल्ट हो गई है। इसके बाद में अगेन इसके अंदर जो हमने उबाला हुआ था पेठा, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दोबारा। और शीरे में तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट अच्छी तरह तेज़ आंच पे पकाना है। और बस देखें, ये पक रहा है शीरे में। इसके बाद मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको ओवरनाइट के लिए आप अगेन दोबारा इसको ढक के रख देंगे इस तरह जाली के ऊपर। जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा कलर आया हुआ होता है इसका। और ये देखें, इस वक्त मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और मैं भी आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा कलर आ गया है। पूरी ओवरनाइट इसके अंदर शीरे में रखा रहा है ये पेठा। तो बस देखें, इस तरह का कलर हो गया इसका। और अगेन आपने इसको फिर तकरीबन 5 से 6 मिनट दोबारा से इस शीरे में दोबारा से पकाना है तब, और इतना पकाना है जब तक इसका शीरा बिल्कुल थिक सा ना हो जाए। और फिर देखें, मैं इसको अब थोड़ी देर, मैंने इसको काफ़ी 4-5 घंटे इसको मैंने फिर इसके अंदर रहने दिया था शीरे के अंदर। इसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से। और शीरा बच जाता है तो उसके आप जर्दा बना सकते हैं या फिर गुलाब जामुन बना सकते हैं। इस शीरे से मैं कुछ रेसिपी इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो बस देखें, मैं इसको निकाल लूंगी और थोड़ा सा इसको ड्राई करना होता है ज़ाहिर है एक दिन, तो तकरीबन ये 2-3 दिन लग जाते हैं इसके अंदर बनाने में। ज़ाहिर है ये बहुत दिन चलता है, ज़रा सा ही खाना होता है। बस इसकी क्रेविंग कभी इंसान को हो जाती है, मुझे भी हो रही थी तो बस मैंने सोचा चलो बनाती हूँ अपने लिए। और बस देखें, इसको इस तरह जाली पर रख के मैंने ड्राई कर लिया है। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, उसको थोड़ा सा मैं इस तरह ऐड करूँगी ताकि ज़ाहिर है ये अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से हार्ड होता है, तो थोड़ा सा ताकि इसके अंदर एक आपस में ये स्टिक ना करें, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और फिर दोबारा से मैंने इसको कुछ घंटे के लिए रखा था। तो देखें, इसकी फाइनल लुक इस तरह की है। और अब ये माशाल्लाह ऊपर से हार्ड हो गए हैं और अंदर से सॉफ्ट है। अभी तो खैर मेरा पका के इतना 1-2 दिन लगे हैं इसके अंदर, तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। तो मैं जब इंशाल्लाह खाऊंगी तो आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अब बस मैंने इसको, मुझे लग रहा है कि मुझे खाने से ज़्यादा बनाने का शौक़ है इसको। तो बस देखें, आपको आवाज़ आ रही है कि कितने अच्छे ऊपर से बिल्कुल हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, काफ़ी दिन 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ अच्छी लगती हैं, बस ज़ाहिर है थोड़ा सा ही खाया जाता है। तो ज़रूर ट्राई करें और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर
जैसे हम रहते हैं तो हमें तो इस तरह की चीज़ें, इन चीज़ों की क्रेविंग होती है, ख़ासतौर पर सर्दियों में। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई करें, और चाहे पाकिस्तान वाले जो हैं वो ट्राई ना करें, वो बाहर से ले सकते हैं, आराम से मिल जाती है ये हर चीज़ माशाल्लाह पाकिस्तान में। तो बस ये है कि जो बाहर रहें वो ज़रूर ट्राई करें, अगर पाकिस्तान में रहने वाले भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बस ये छोटी सी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ आज, और उम्मीद करती हूँ ज़रूर ट्राई करेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को भी देख के क्रेविंग हो रही है ज़रूर ट्राई करें, और इसके अलावा सबका देखने का बहुत शुक्रिया सबको मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। कोई बात अगर ना समझ आए रेसिपी में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस नेक्स्ट व्लॉग तक सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।